क्या सच में 400 पार का नारा पूरा होने वाला है? अब लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा, आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या सच में राहुल को 40 और अखिलेश को सिर्फ 4 सीट मिलने वाली है? राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ही प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं, अगले 100 दिन के एजेंडे पर मंथन कर चुके हैं, अगले 100 दिन के लिए खाका तैयार हो चुका है, अगले 100 दिनों में कठिन फैसले लिए जाएंगे, सरकार की प्राथमिकता की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जो नंबर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले दिए थे, करीब करीब वही नंबर एग्जिट पोल में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां पीएम मोदी अगले 100 दिनों का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन एक दिन पहले ही 4 जून को लेकर बैठक कर चुका है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता 295 सीट का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार का भरोसा दे रहे हैं। हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन पीडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है? भूचाल नहीं आएगा, भूचाल तो पहले ही था, बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था, ये सब भूचाल खत्म हो जाएंगे। क्यूटो में भी चुनाव फंस गया। एक तरफ विपक्ष एग्जिट पोल के आंकड़ों में उलझा है, तो वहीं माना जा रहा है कि देश की राजनीति में 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंकता है उसके संकेत वो काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी तब जब एग्जिट पोल के आंकड़े मोदी के पक्ष में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चरण दर चरण प्रचंड गर्मी के बीच आखिरकार 7 चरणों में हुआ चुनाव संपन्न हुआ और सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इस बार के चुनावी महापर्व में कई मुद्दे छाए रहे, हर चरण के साथ चुनावी गियर भी बदलता रहा। आखिरी चरण में माहौल शिमला वाली फीलिंग देने लगा था, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। अस्सी सीटें, 7 चरण और प्रदेश में लोकसभा के चुनावी रण में एक से बढ़कर एक सियासी दिग्गज, मुकाबला जोरदार तो मैदान में हलचल भी उतनी ही ज्यादा थी।
नेताओं ने बाजी मारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। शब्द वेदी बाण जमकर बरसे। प्रचंड तपिश और गर्म थपेड़ों के बीच सात चरणों को भेदता हुआ चुनावी रथ अपने गंतव्य तक पहुंच गया। इस बार के चुनावी महापर्व में कई मुद्दे छाए रहे। हर चरण के साथ चुनावी गियर बदलता रहा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से चले बयानों के तीर पूर्वांचल तक पहुंचते पहुंचते चक्रवात में बदल गए। यूपी की कानून व्यवस्था का सवाल शिमला वाली फीलिंग देने लगा। माँ बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे, व्यापारी इसी खौफ में जीते थे, अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है भाई। गर्मी कम होना अधिक होना यह तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन इतना मैं जानता हूं बदमाशों को गर्मी के दिन में भी शिमला की ठंड का एहसास कराने का काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो योगी जी ने किया। चरण दर चरण सियासी दलों में बेचैनी बढ़ती गई। हर चरण में एनडीए के तरकश से नया तीर निकलता चला गया। 2024 की लड़ाई औरंगजेब तक चली आई और उधर अखिलेश यादव सियासत में धुआं धुआं करते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। इस अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्रनायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। यहाँ डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। उनके घिसे पिटे डायलॉगों को सुनना नहीं चाहते जिन्होंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे। बनारस वाले जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयानों के तीर से रण क्षेत्र का पारा चढ़ता रहा। इसके साथ ही एक बात तो तय थी कि सियासत के केंद्र में सिर्फ मोदी ही चुनावी मुद्दा रहे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी की जुबान पर ये नाम छाया रहा। समझ लीजिए आज जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, उसकी वजह है क्योंकि गलत नीतियां चल रही है देश में, क्योंकि ऐसी राजनीति हावी हो गई है पूरे देश में जिसके नेता समझ रहे हैं कि धर्म के आधार पर आपसे वोट ले लेंगे हर 5 साल, हिंदू मुस्लिम करके हर चुनाव में जीत हासिल कर लेंगे, सत्ता ले लेंगे, उसके बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं है, यही उनकी विचारधारा है। यूपी में सातों चरण में हुए चुनावों में मुद्दों के साथ ही बयानों से उपजी गर्माहट में समीकरण पिघलते दिखे। अब इंतजार है 4 जून के नतीजों का, जो बची तस्वीर भी साफ कर देंगे। न्यूज 18 के लिए